आपका हेडिंग क्या रहेगा? पार्टीशन, ठीक है, हेडिंग रहेगा पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन। अब देखिए पार्टीशन, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, पार्टीशन क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। और पार्टीशन हम किसका करते हैं? हम पार्टीशन जो है क्लोज इंटरवल ए बी का करते हैं, मतलब जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है। जैसे एफ एक्स मान लीजिए फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और डिफाइंड ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी। वो अगर क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है तो उस क्लोज इंटरवल ए बी का हम क्या करेंगे? पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना। अब पॉइंट्स कैसे होंगे? पॉइंट्स होंगे वो ए से, अगर क्लोज इंटरवल ए बी है तो जो पॉइंट्स होंगे वो ए से बी तक ही होंगे। मतलब जो भी पॉइंट्स आप रखेंगे उसमें ए से बी के बीच में कुछ पॉइंट्स आप रख देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट्स उसमें लेते हैं, क्योंकि पार्टीशन किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का आप जो है मोर देन वन, है ना, एक से अधिक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? उसको पार्टीशन कर सकते हैं आप, है ना, आप इनफाइनाइट वे में पार्टीशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या लेना है? आपको से क्लोज इंटरवल ए बी है तो उसके बीच में कुछ पॉइंट्स आपको ले लेना है। तो यही जो पॉइंट्स आप लेंगे, तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो पॉइंट्स आप लेंगे उसे कैसे लेंगे आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में कुछ पॉइंट्स आप ले लेंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेंगे। उसी सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन। पार्टीशन को हम लोग किससे दिखाएंगे? पी से दिखाएंगे। और इसमें मान लीजिए क्लोज इंटरवल आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी है, अब मुझे इसका पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन पी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, अब इसके बीच में कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। तो मान लीजिए हम पहले पॉइंट्स को एक्स नॉट बोल देते, उसको ए बोल देते हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और डॉट 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 एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर इन जनरल डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी। मान लीजिए इन जनरल मैं ऐसे लिख दिया, यह क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, है ना। इसमें क्या है? इसमें ए और बी तक जो है हमारे कुछ पॉइंट्स रखेंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स बस ले लेना है आपको ए से बी तक, है ना। कुछ पॉइंट्स आप ए से बी तक ले लिए हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ऐसे यहाँ पे ले लिए। कितने पॉइंट्स हो गए? एन प्लस वन। अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एन प्लस वन पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि एक्स वन से लेकर एक्स एन तक हैं और एक आपका एक्स नॉट है, कुल एन प्लस वन पॉइंट्स इसमें हैं। और अगर हम जब इसमें ए इसको पार्टीशन बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो पॉइंट्स आप लेंगे किस ऑर्डर में लेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सच डैट जो आपका एक्स नॉट रहेगा लेस देन एक्स वन, लेस देन एक्स टू, लेस देन एक्स थ्री, ऐसे लेस देन डॉट 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 लेस देन एक्स आर माइनस वन, लेस देन एक्स आर, लेस देन डॉट 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 एक्स एन, है ना। और यह इक्वल टू बी है, यह इक्वल टू ए है, क्योंकि ए से बी तक ही आपको लेना है, ठीक है। और ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि पार्टीशन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसा पॉइंट लेंगे उस तरह से पार्टीशन आपका होगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल देखा जीरो से टेन, तो आपने मान लीजिए जीरो ले लिया, फाइव ले लिया, टेन ले लिया, तो ये थ्री पॉइंट्स का सेट जो बन गया यही पार्टीशन है, जीरो फाइव टेन, है ना। तो ये जो थ्री पॉइंट्स का सेट है यही पार्टीशन है। आप जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ले लिए, ये जो आपके कुल सिक्स पॉइंट आ गए इसमें, यही आपका पार्टीशन है। तो आप कई प्रकार से पार्टीशन कर सकते हैं, बस खाली पॉइंट्स लेना है, बस ध्यान रहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट आपके होने चाहिए, क्लियर है। तो ये होता है पार्टीशन। तो किसी भी क्लोज इंटरवल में पार्टीशन आप एक से अधिक प्रकार से कर सकते हैं। आप कर लीजिए तो इन्फिनिटी वे में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली पॉइंट्स लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, जहाँ से जहाँ तक है आपका ए से बी तक, तो ए से बी तक पॉइंट्स ले लेने, कुछ पॉइंट्स ले लीजिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, वही क्या कहलाएगा? पार्टीशन। तो चलिए लिखिए इसमें लेट, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, लिखा आपने डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। आगे लिखिए इसमें लेट पी बी द पार्टीशन, पी बी द पार्टीशन ऑफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी फॉर द फंक्शन एफ एक्स, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, देन पी इज द, देन पी इज द सेट ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स, देन पी इज द सेट ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स सच डैट, ठीक है,
पी इक्वल टू आप लिख देंगे सच डेट पी इक्वल टू या और फिर वेयर ये जो आपका रिलेशन लिख देंगे आप, ठीक है। मतलब कोई इंटरवल अगर ए बी है तो अगर जब पार्टीशन की बात आएगी तो क्या करेंगे आप, आप कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे आप। अब पॉइंट्स कैसे लेंगे, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए से स्टार्ट है बी तक गया, मतलब जो पॉइंट्स लेने हैं आपको ए से बी तक ही पॉइंट्स लेने हैं। अब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहे जितना आप ले सकते हैं, फिक्स नहीं कि आप दो लेना तीन लेना चार, जो भी लेंगे वो पार्टीशन कहलाएगा आपका। बस ध्यान रहे कि जो भी पॉइंट्स आप लेंगे वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, क्लियर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप दें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,10 है। अब मुझे ऐसा क्या करना है, पार्टीशन करना है, मुझे ऐसा क्या करना है पार्टीशन। तो आप पी वन इक्वल टू लिखेंगे है ना 0, 5, 10, यह भी पार्टीशन है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप पी टू भी लिख सकते हैं, ठीक है 0, 2, 4, 6, 8, 10, यह भी पार्टीशन है। P3 भी आप लिख सकते हैं, आप तीसरा पार्टीशन 0, 1, 2, 3 ऐसे 9, 10 यह भी पार्टीशन है। ऐसे कंटिन्यू आप इस तरह से तमाम पार्टीशन कर सकते हैं किसका, क्लोज इंटरवल 0,10 का पार्टीशन। बस यही काम करना है कि 0 से 10 तक आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेने हैं। तो जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लेंगे उसको एक कर्ली ब्रैकेट में सेट के रूप में लिख दीजिए, वही आपका पार्टीशन कहलाएगा। बस ध्यान रहे कि जो पॉइंट्स आप लेंगे वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बस इतनी ही बात, ठीक है। यह है तो इस तरह से आप जो है चाहे जितना आप पार्टीशन कर सकते हैं क्लोज इंटरवल 0,10 का, क्योंकि इसमें वही ऑलरेडी इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, जो किसी भी इंटरवल में आपको इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं तो उसमें से कुछ फाइनाइट नंबर आपको लेने हैं। तो ऐसे लेंगे भाई इन्फिनिटी जहाँ है वहाँ ऐसे फाइनाइट नंबर लेते जाएंगे तो आप इन्फिनिटी वे में ले सकते हैं, एक दो नहीं आप कई पार्टीशन कर सकते हैं, अनेकों पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही ध्यान रहे कि जो पॉइंट्स आप लेंगे उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने तीन पार्टीशन आप दिखा दिया, ऐसे आप तमाम पार्टीशन आप कर सकते हैं, क्लियर है। छोटा से छोटा पार्टीशन बड़ा से बड़ा पार्टीशन कर सकते, जैसे मान लीजिए जब मैं पार्टीशन जब किया तो इससे यहाँ पे क्या होगा, अच्छा पार्टीशन जब करते हैं तो पार्टीशन के बाद जो हमें पार्ट मिलेंगे, जब पार्टीशन होगा जब बंटवारा होगा तो अलग अलग पार्ट आपको मिल जाएंगे, कई पार्ट ना उसको हो जाएंगे, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट, उसी को बोलते हैं सेगमेंट, या उसी को हम बोलते हैं सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल आई, मतलब जिस क्लोज इंटरवल का आपने पार्टीशन किया है वो सभी जो पार्ट उसके मिलेंगे है ना उनको सेगमेंट बोलते हैं, या उस इंटरवल का जिसका पार्टीशन किया है उसका सब इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पे 0,10 का ही अगर देखा जाए तो इसके अगर इस पार्टीशन के थ्रू सब इंटरवल देखेंगे तो क्या बनेगा, 0 से 5 और 5 से 10 दो सब इंटरवल या दो सेगमेंट बन जाएंगे, यह भी इसका सब इंटरवल कहलाएगा, यह भी इसका सब इंटरवल कहलाएगा, है ना। इसमें कितने बन जाएंगे आपके सब इंटरवल, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 10, ये बन जाएगा सब इंटरवल या सेगमेंट इसको बोल देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसमें बन जाएगा 0 से 1, 1 से 2 ऐसे करके आपको 9 to 10 अगर पहुंच जाएगा इसमें इतने सब इंटरवल। तो जब भी पार्टीशन होगा तो क्या बनेगा आपका, जो पार्ट मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे सेगमेंट बोलेंगे, या तो हम उसे क्या बोल देंगे, या उसे हम लोग बोलेंगे सब इंटरवल ऑफ द क्लोज इंटरवल ए कमा बी, जो भी आपका इंटरवल रहा, ठीक है ना। इस तरह से तो हेडिंग करिए बेटा आप लोग, अच्छा एक चीज़ और लिख दीजिए हेडिंग के पहले लिख दीजिए कि पार्टीशन इज आल्सो नोन एज, पार्टीशन को और भी कुछ नामों से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, पार्टीशन इज आल्सो नोन एज इतना दूर दूर क्या लिख रही हो बेटा, ये क्या है इतना दूर दूर, दो वर्ड्स के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्या हुआ, पापा को चैलेंज किया गया कि हम काफ़ी भर देंगे एक 10 दिन के अंदर ही, आप देखिए खाली कितना पढ़ती हूँ मैं, ऐसा कुछ है तो फिर ऐसा का है, लेकिन है नहीं, नहीं कुछ ज़्यादा ही नहीं गैप है, एक प्रॉपर गैप होता है दो वर्ड के बीच में, ऐसे लिखने मतलब होता है कि जानबूझ के काफ़ी खाली भरा जा रहा है ना। और ऐसा कभी आप एग्ज़ाम में भी कुछ लोग होते हैं ना, एग्ज़ाम में भी काफ़ी गैप दे दे के लिखते हैं, सोचते हैं कितना पेज भर दें, जो काफ़ी चेक करता मूर्ख थोड़ी है, उसको भी साफ साफ दिख जाता है कि यार ये गैप तो ज़्यादा है, मतलब जानबूझ के खाली भरने का प्रयास किया गया है, तो बहुत खुश थोड़ी होगा आपसे, है ना, वो गुस्सा ही होगा, वो सोचेगा भाई कम से कम जब लिखना हमको जितना आप लिखें उतने ही हैं, तो उसको कम से कम पेज में लिखें ताकि धड़ाधड़ भी कापी चेक करें, उसको भी पैसा मिले, काम ख़त्म हो और आराम से उसको चेक कर ले, और आप खाली पेज भरेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं जी। हाँ आप सर शांत जाइए, हम पास पास लिखेंगे। अच्छा लिखिए, पार्टीशन इज आल्सो नोन एज, पार्टीशन इज आल्सो नोन एज डिवीजन,
हाँ डी आई वी आई एस आई ओ एन, पार्टीशन इज आल्सो नोन एज डिवीजन, ठीक है, आर आर डिसेक्शन, डी आई एस एस ई सी टी आई ओ एन, डिसेक्शन, डी आई डबल एस बोल सकते हैं आप उसको, डी आई डबल एस ई सी टी आई ओ एन, मैंने उसको अलग अलग करके बोला था, डी आई एस एस ई सी टी आई ओ एन, क्लियर है ना, डिसेक्शन, आर नेट एन ई टी, ठीक है, बस इतना बहुत हो गया, सोचने क्या और कुछ बोल देता, और लिख लो कि और आर में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन को लोग डिवीजन के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, डिसेक्शन और नेट भी बोलते हैं। हेडिंग कीजिए सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, किसी पार्टीशन का सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। तो इसमें देखिए, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, हो गया। देखिए इसमें लेट पी बी द, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट, आप लिख दीजिए पूरा फिर से एक बार, है ना, ए पार्टीशन, ए पी पार्टीशन है, पी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो पार्टीशन भाई जैसे हमेशा जब भी जब मैं पार्टीशन की बात करूँगा किसी थ्योरम में या प्रूफ में जब मैं दूंगा, तो तुरंत जब पार्टीशन की बात है तुरंत आप पी बराबर ए इक्वल टू एक्स नॉट का एक्स वन का एक्स टू का एक्स थ्री ऐसे लिखते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है, और सच डैट ऐसा कि वो जो आपके सबके क्या सबके सब क्या होंगे, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब चलिए, तो यह हो गया आपका जो है पार्टीशन, है ना, देन देन द सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, सेगमेंट मतलब जानिए वही पार्ट जो मिलेगा आपको, देन द सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन इज गिवेन एज, तो पार्टीशन का सेगमेंट कैसे दिया जाता है, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन इज गिवेन एज, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे आई वन इक्वल टू एक्स नॉट से एक्स वन, आई टू इक्वल टू दूसरा क्या जाएगा एक्स वन से एक्स टू, ठीक है, आई थ्री इक्वल टू क्या जाएगा आपका एक्स टू से एक्स थ्री, क्लियर है। ऐसे ही आई आर क्या हो जाएगा, यह जाएगा आपका एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, ऐसे ही आपका आई एन क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, ठीक है, और ये सभी के सभी है ना, ये सभी के सभी क्या हैं, सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी भी हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट भी बोलते हैं। तो यही सब सेगमेंट हैं, जो पार्ट मिलेगा आप ऐसे ही समझ लिख सकते हैं चीज़ को, जब पार्टीशन करेंगे तो जो आपको अलग अलग पार्ट आपको मिलेंगे है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और वो जो हर जो पार्ट होते हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी जिसका पार्टीशन किए हैं उसी का सब इंटरवल होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो यही सेगमेंट होता है, क्लियर है ना, सेगमेंट समझ में आ गए ना बात। जैसे अभी जैसे यहाँ पर लिखे हैं आप, अभी इसका सेगमेंट कोई पूछेगा पी टू पार्टीशन हुआ, सेगमेंट क्या हुआ था, जीरो से टू, टू से फोर, है ना, क्लोज इंटरवल जीरो कमा टू, क्लोज इंटरवल टू कमा फोर, क्लोज इंटरवल इंटरवल फोर कमा सिक्स, सिक्स टू एट एंड एट टू टेन, ये आपके हो जाएंगे सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, क्लियर है। अच्छा, अब सेगमेंट के बाद आपका आता है लेंथ, लेंथ ऑफ सेगमेंट, किसी सेगमेंट का लेंथ कैसे हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए मैंने कल बताया भी था कि किसी भी सेगमेंट के लेंथ को हम लोग डेल्टा आई आर, या इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, या इसी को हम लोग शॉर्ट में केवल ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना। तो ये आपका जो है ये इससे हम डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट, किसी सेगमेंट के लेंथ को हम इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफाइंड कैसे होता है कि जो डेल्टा आर होता है ना, अगर मान लीजिए आई आर, मैं जनरली
भाई सेगमेंट है ना, तो कोई भी सेगमेंट आप लेंगे तो भाई सेगमेंट के लेंथ को बताना है, तो आप कोई सेगमेंट कंसीडर कीजिए। तो जो सेगमेंट मैं लूंगा यहाँ पे आई आर, इन जनरल जब भी सेगमेंट लेना होगा तो आप क्या लेंगे, आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन का एक्स आर, ये इन जनरल। क्योंकि आप अगर आई वन आई टू लेगो तो पर्टिकुलर हो गया कि आपने आई वन पहला वाला लिया, आपने आई टू दूसरा वाला लिया, और एक्स आर बोल दिया तो मैं बोलिए कि सर आधा वाला ले लिया है ना, ये आपका इन जनरल हो जाएगा। क्योंकि r इक्वल टू वन रखेंगे पहला वाला मिल जाएगा, टू रखेंगे दूसरा वाला मिल जाएगा, थ्री रखेंगे तीसरा वाला मिल जाएगा, ऐसे। तो ये इन जनरल, जब भी कोई सेगमेंट या सब इंटरवल, जब भी कोई सेगमेंट या सब इंटरवल आपको कंसीडर करना हो, एज्यूम करना हो, मानना हो, तो आप मानेंगे आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन का एक्स आर। तो जब भी लेंथ को हम डिफाइन करेंगे इसी पे डिफाइन करेंगे, है ना। तो डेल्टा आर मतलब वही आर, मतलब इसी वाले का, इसी का लेंथ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा एक्स आर माइनस वन, ऐसे हम लेंथ को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर आई आर वाला आपका सब इंटरवल है तो इसका लेंथ कितना होगा एक्स आर माइनस वन, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट, ऐसा ही सब में होगा, ऐसा ही सब में होगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, है ना। जिसका भी लेंथ निकालना होगा लास्ट में से फर्स्ट क्या करेंगे, आप घटा देंगे, उस सेगमेंट या उस सब इंटरवल का लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है। जैसे भी इसमें पूछूँ जीरो से फाइव, ये जो सेगमेंट है इसका लेंथ कितना होगा, फाइव माइनस जीरो, आप बोलेंगे फाइव। क्लियर है ना, ऐसे। तो ये सिस्टम नोट कर लीजिए आप, कुछ लिखा है आपने नहीं ना, देखिए द लेंथ ऑफ सेगमेंट, द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज, द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज डिनोटेड बाई, द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, ये लिखेंगे आप, है ना, इज डिनोटेड बाई डेल्टा आई आर, आर डेल्टा आई आर, आर डेल्टा आर इंसर्ट। ठीक है, आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं ये दर्शाने के लिए कि भाई लेंथ है ये। ठीक है, डेल्टा आई आर, आर डेल्टा आई आर, आर डेल्टा आर, है ना, शार्ट में। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज डेल्टा आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन फॉर, किसके लिए, फॉर आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर। मतलब अगर ये सब इंटरवल है कौन, एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर, अगर ये सब इंटरवल है तो इसके लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, डेल्टा आर से, और होगा क्या वो एक्स आर माइनस वन, लास्ट में से फर्स्ट, बस यही और कोई बात नहीं, आसानी से कर सकते। क्लियर भैया, क्लियर है, ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे सेगमेंट का लेंथ, तो लेंथ यही होता है आपका। अब इसके बाद हेडिंग करेंगे नार्म, हेडिंग कीजिए नार्म ऑफ पार्टीशन, किसी पार्टीशन का नार्म क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, मैंने वैसे बताया था आपको कि इसे पार्टीशन जब आप करेंगे, जब आप पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन के बाद आपको क्या मिल जाएंगे, सेगमेंट या सब इंटरवल मिल जाएंगे। ठीक है, जब पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट या सब इंटरवल मिल जाएगा, और हर सेगमेंट का अपना लेंथ होगा। जैसे इसका लेंथ कितना होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इसका लेंथ कितना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका लेंथ कितना होगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, है ना। देखो मैं खाली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, ये खाली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा या अनइक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने टू फोर सिक्स ऐसे लिया है तो मैंने इक्वली एकदम लिया है ना, इक्वली स्पेस्ड लिया हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पार्टीशन का मतलब खाली पॉइंट्स लेने हैं आपको, ए से बी तक खाली कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं आपको, बस वो पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, बस, है ना, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम बराबर बराबर ही बढ़ता रहे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं लिखवाया हूँ और ना मैं बोला हूँ ऐसा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इक्वली भी ले सकते हैं, इक्वली स्पेस्ड भी ले सकते हैं और अनइक्वली स्पेस्ड भी ले सकते हैं। मतलब जैसे आप 0 से 10 है तो 0 से 5, 5 से 10 कर लिया, ठीक है, बराबर। आप 0, 2, 5, 8, 10 भी कर सकते हैं, मतलब इरेगुलर मैनर भी ले सकते हैं। बस यही ध्यान रहे कि आपको जो पॉइंट्स लेना है 0 से 10 तक ही लेना है, और जो भी लेने हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, बस। बात समझ में आ रही है। तो जैसे अभी यहाँ पर तो मालिक पता नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं पता है कि कैसे लिया गया है, या बराबर दूरी पर है, है ना, कि जो है अलग अलग डिस्टेंस पे है, ये तो पता है नहीं, बस इन जनरली लिख दिया गया है। हाँ, ये कन्फर्म है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
जो भी पॉइंट्स हैं सबके सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऐसा है तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इसका लेंथ कितना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका लेंथ कितना होगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, इसका लेंथ कितना होगा एक्स आर माइनस वन, इसका लेंथ कितना होगा एक्स एन माइनस वन। ऐसे हर सेगमेंट का लेंथ निकल जाएगा, ऐसे हर सेगमेंट का लेंथ निकल जाएगा, और इन सभी लेंथ में जो मैक्सिमम वाला लेंथ होगा, ऐसे मान लीजिए अब कुछ ना कुछ तो इवे करेगा ना यार, तो जो मैक्सिमम लेंथ आएगा उसी को बोलेंगे नार्म ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, जब पार्टीशन होगा तो अलग अलग पार्ट जो मिलते हैं उसे सेगमेंट बोलेंगे, हर सेगमेंट का अपना लेंथ होगा, वो चाहे जैसे बराबर बराबर सबका आए, चाहे अलग अलग आए, डिफरेंट डिफरेंट आए, उसका मतलब नहीं है। आपको बस देखना है कि जो लेंथ आएगा हर सेगमेंट का, हम उसमें से सबसे अधिक लेंथ वाला, सबसे अधिक लेंथ क्या आया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो जो मैक्सिमम लेंथ दिखाई देगा वही पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे, यह पार्टीशन अगर आपने किया है तो जैसे ये बन गया सेगमेंट, इसका लेंथ 5, इसका भी लेंथ 5, तो दोनों का सेम ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपकी पूछेगा मैक्सिमम कितना लेंथ आया था, बोलेंगे 5। अब वो 10-12 चाहे 20 हो, उससे मतलब नहीं, मैक्सिमम कितना लेंथ आया बोलेंगे 5। तो इस पार्टीशन का जो नार्म होगा, नार्म P1, तो आप बोलेंगे 5। क्लियर है? इसी प्रकार से जब यहाँ चलेंगे तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसा होगा, तो हर सेगमेंट का लेंथ 2 आएगा। यहाँ सेम है, तो यहाँ पे नार्म P2, लेकिन 2 ही मैक्सिमम आ रहा है, 2 से अधिक तो नहीं आ रहा है, भले 2 बार बार आए बट 2 से अधिक नहीं आ रहा है, 2 इज द मैक्सिमम लेंथ, तो नार्म P2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे नार्म P3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर यही मान लीजिए P4 में ले लूँ, और ऐसे में 0 में 2, 5, 8, 10 ऐसे कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरली ले लिया, तो पहले वाले 0 से 2 वाले का 2 आएगा लेंथ, फिर इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, 3 इसका 2 आएगा, तो मैक्सिमम लेंथ कितना आया 3, तो नार्म P4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आई ना नार्म का मतलब? ये है आपका नार्म। तो जब भी पार्टीशन करेंगे किसी क्लोज इंटरवल एबी का, पार्टीशन के बाद क्या मिलेंगे, सेगमेंट। क्या मिलेंगे? सेगमेंट। हर सेगमेंट का अपना अपना लेंथ होगा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हर सबका अपना अपना लेंथ होगा। जो आपको हाईएस्ट लेंथ या मैक्सिमम लेंथ दिखाई देगा उसी को पार्टीशन का नार्म बोल देंगे। क्लियर है ना? तो लिख लीजिए इसी को, आप लिखिए बेटा, नार्म ऑफ पार्टीशन इज डिनोटेड बाई नार्म पी वेयर पी इज द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। हो गया? देखिए, एंड इट इज डिफाइंड एज, तो नार्म पी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, तो उसको ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम, डेल्टा आर का मैक्सिमम, मतलब लेंथ का मैक्सिमम। आर लिखा हूँ, इसका मतलब समझते हैं ना, जितने भी आपके सेगमेंट बनेंगे हर सेगमेंट का जो लेंथ आएगा है ना, उसे आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो जितना भी आप पार्टीशन किया है, जितना भी पॉइंट्स लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब इंटरवल मिल जाएंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए हैं, एन प्लस वन पॉइंट लिए हैं है ना, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ एन प्लस वन, तो कितने सेगमेंट मिलेंगे, एन सेगमेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए हैं, 3 पॉइंट लिए हैं, तो कितने सेगमेंट बनेंगे, 2, 0 से 5, 5 से 10। यहाँ कितने लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने सेगमेंट बनेंगे, 5 है ना। इस तरह से तो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने पॉइंट्स लिए हैं, तो जितना भी पॉइंट्स आप लिए हैं है ना, उससे कम आपका सेगमेंट बनेगा, और हर सेगमेंट का अपना लेंथ होगा है ना। तो डेल्टा 1 मान लीजिए किसी का लेंथ है डेल्टा 1, किसी का डेल्टा 2, किसी का डेल्टा 3, ऐसे लेंथ है सबका, और उस लेंथ में जो सबसे मैक्सिमम वाला लेंथ होगा है ना, जैसे डेल्टा 1 आ गया, कुछ आ गया डेल्टा 2, इसका मतलब क्या, डेल्टा 1 कमा डेल्टा 2 कमा डेल्टा 3 कमा डेल्टा 4, मान लीजिए अगर n आपके सेगमेंट बने हैं, तो डेल्टा 1 पहले का लेंथ, दूसरे का डेल्टा 2, तीसरे का डेल्टा 3, चौथे का डेल्टा 4, लास्ट वाले का डेल्टा n, ऐसे सबका लेंथ हो जाएगा।
अब इस सब में, इस यन लेंथ में जो सबसे मैक्सिमम वाला लेंथ होगा, अब इसमें मान लीजिए कोई मैक्सिमम, मान लीजिए डेल्टा फोर मैक्सिमम है, तो जो डेल्टा फोर जो होगा वही क्या कहलाएगा, नार। और डेल्टा फोर कुछ ना कुछ आएगा जब भाई कैलकुलेशन की बात आएगी, जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तो कुछ ना कुछ आएगा, वो न्यूमेरिकली कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो जो डेल्टा फोर ही मान लीजिए इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो डेल्टा फोर ही क्या कहलाएगा आपका, नार। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो आपने क्या लिखा, नार्म एंड इट इज डिफाइंड एज, तो आप ये लिखेंगे नार्म पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, नार्म पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर सच डैट आर इक्वल टू 1, 2, 3 है ना, कमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट आर ई एफ आई एन ई एम ई एन टी, रिफाइनमेंट, ठीक है, रिफाइनमेंट। अब देखिए रिफाइनमेंट क्या, इसमें बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी का आपने पार्टीशन कर दिया है ना, और एक से अधिक पार्टीशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने पार्टीशन कर दिया दो पार्टीशन पी वन और पी टू, और पार्टीशन आपने ऐसा कर दिया कि पी वन कंटेंड इन पी टू, कि पी वन पी टू के अंदर कंटेंड है, तो अगर पी वन पी टू के अंदर कंटेंड है तब पी टू को कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पी वन। क्लियर है, देन पी टू इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, ये सिस्टम होता है। क्लियर है ना, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए पी टू पी वन के अंदर कंटेंट होगा तब पी वन को पी टू का रिफाइनमेंट बोलेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपका रिफाइनमेंट होता है। अच्छा, किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का जितना भी आप पार्टीशन कर सकते हैं सबको कर दीजिए, ठीक है। और जितना भी पार्टीशन जब आप कर देंगे तो सभी पार्टीशन का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं फैमिली ऑफ पार्टीशन, और उसे हम पी ए कमा बी से दिखाते हैं। जैसे मैं जब कोई दो पार्टीशन लूंगा, मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल ए बी का दो पार्टीशन पी वन और पी टू है, तो मैं बोलूंगा पी वन कमा पी टू, या थ्योरम जब करेंगे, थ्योरी जब पढ़ेंगे आप, थ्योरम जब करेंगे ना, तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट में ऐसे लिखा रहेगा पी वन कमा पी टू बिलोंग्स टू पी ए बी। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, पी ए बी मतलब फैमिली ऑफ पार्टीशन, इसका मतलब फैमिली ऑफ पार्टीशन। इसका मतलब क्या हुआ, यह हुआ कि क्लोज इंटरवल ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का जितना भी पार्टीशन संभव होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का जितना भी पार्टीशन, भले वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, लेकिन बट जितना भी पार्टीशन संभव होगा उन सभी का जो कलेक्शन होता है, उन सभी से मान लीजिए पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, मान लीजिए पी हंड्रेड, मतलब मान लीजिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी का 100 पार्टीशन पॉसिबल है, कि जो पी वन कमा पी टू पी थ्री पी फोर इस वो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, इस पूरे कलेक्शन को, पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, फैमिली या पार्टीशन। बात समझ में आ रही है ना, मतलब हर पार्टीशन को मिला के हम क्या बोलेंगे, जितने पार्टीशन हो सकेंगे सबको मिला के क्या बोलेंगे, फैमिली या पार्टीशन। तो जब भी किसी क्लोज इंटरवल ए बी का आप कोई दो पार्टीशन लेना है या तीन पार्टीशन लेना है ना, मानना है, एज्यूम करना है, तो आप कहाँ से उसको लेंगे, फैमिली ऑफ पार्टीशन से। और फैमिली ऑफ पार्टीशन में क्या आएंगे, उसके जितने भी पार्टीशन संभव होंगे सब वहाँ मौजूद रहेंगे। बात समझ में आई ना। और उस फैमिली ऑफ पार्टीशन को कैसे दिखाते हैं, पी ए कामा बी, इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल ए बी के जितने भी पार्टीशन है उनका सेट, उसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ पार्टीशन। क्लियर है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज़ें आपको डिफाइन ही करके लिखाई जाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी समझ लिया कीजिए। तो आइए रिफाइनमेंट की बात करते हैं। लेट एफेक्स बी अ, लेट एफेक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफेक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर, लेट एफेक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। लेट P1 कमा P2 belongs to PAB. Let P1 कमा P2 belongs to PAB such that, let P1 कमा P2 belongs to PAB such that P1 is contained in P2. Such that P1 is contained in P2. P1 is contained in P2. Then P2 is called, then P2 is called refinement of, then P2 is called refinement of P1, then P2 is called refinement of P1, R O R, इसको एक और लैंग्वेज हम देते हैं, R, P2 is called finer, F I double N E R, P2 is called
फाइनर देन पी वन, एफ आई डबल एन ई आर, पी टू इज कॉल्ड फाइनर देन टी एच ए एन, कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, देन और दिन नहीं, देन फाइनर देन पी वन, पी टू इज कॉल्ड फाइनर देन पी वन। तो अगर पी वन पी टू के अंदर कंटेंट है तो पी टू को पी वन का रिफाइनमेंट बोलेंगे या बोलेंगे पी टू इज फाइनर देन पी वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल जीरो कामा वन है, मान लीजिए हमारे पास आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल जीरो कामा वन है, हम इसका दो पार्टीशन लेते हैं, एक पार्टीशन ले लेते हैं जीरो वन बाई थ्री और वन, और एक पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है, वन बाई टू कर देते हैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं जीरो वन बाई थ्री टू बाई थ्री और वन, ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हियर पी वन इज कंटेंड इन पी टू, है ना, दस पी टू इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी वन। तो ऐसा होता है, ऐसा मैंने कल बताया था कि यहाँ पर कंटेंट का मतलब बस ये देखना एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। देखिए ए भी क्लोज इंटरवल ए बी के ही पॉइंट्स इसमें है, इसमें भी क्लोज इंटरवल ए बी के ही पॉइंट्स हैं, बट इस पी टू में पी वन से क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो जिसके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वही सुपर सेट के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हियर पी वन इज कंटेंड इन पी टू, देन पी टू इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी वन। तो ये एग्जाम्पल आप इस तरह से नोट कर लीजिए आप। आज क्या, कल भी नहीं चलेंगे, ठीक है, हाँ उसके बाद चलेंगे। ये प्रक्रिया साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकता है, चार साल भी लग सकता है, कम से कम चुनाव कारण हो सकता है, हाँ चुनाव के कारण हो सकता है कि चुनाव तो जब भी होंगे मार्च अप्रैल में होंगे, हो सकता है जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग करा दें, ठीक है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, टीचिंग की जो प्रक्रिया होती है वो ऑलरेडी बहुत लेट चलती है, अगर वो जनवरी फरवरी में भी कराएगा तो अपने आप में इतिहास होगा, समझ, रिकॉर्ड, मतलब आज तक अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी भी टीचिंग की वैकेंसी साल के अंदर पूरी हो जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो अगर ऐसा होगा भी तो ये इतिहास होगा, बस समझ में आ रही है, आप लोग पार हो जाएंगे बड़े आराम से। हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा आपने, पी टू इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद ये क्या सिस्टम, समझिए इस चीज़ को। तो ये हो गया, अब हेडिंग करेंगे कॉमन रिफाइनमेंट, हेडिंग करेंगे क्या, कॉमन रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट। अब ध्यान दीजिए कॉमन रिफाइनमेंट क्या है, ठीक है, इसमें मतलब बताया था आप लोगों को, जैसे पी वन पी टू अगर दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का, ठीक है, तो जब अगर पी वन पी टू दो पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी का है तो पी वन भी कंटेंट होगा पी वन यूनियन पी टू में और पी टू भी कंटेंट होगा पी वन यूनियन पी टू में। तो ऐसे सिचुएशन में हम पी वन यूनियन पी टू को पी वन का भी रिफाइनमेंट बोलेंगे और पी वन यूनियन पी टू को पी टू का भी रिफाइनमेंट बोलेंगे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि ऐसा पार्टीशन है ना जो जो है दो पार्टीशन का रिफाइनमेंट हो, एक ही दोनों का रिफाइनमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन, है ना। तो हियर पी वन यूनियन पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन एंड आल्सो पी वन यूनियन पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी टू, है ना, दोनों का है, इसलिए पी वन यूनियन पी टू क्या बोलेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पी वन पी टू दो पार्टीशन है तो एक ऐसा पार्टीशन तो दोनों का रिफाइनमेंट हो, उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन रिफाइनमेंट। लेट एफएक्स, वही पूरा भोकाल ऐसे चलता रहेगा, एफएक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफएक्स बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन भी लिख सकते हो, और अच्छा करके रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन सब में कह सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली फंक्शनल लिख सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। लेट पी वन कामा पी टू, लेट पी वन कामा पी टू बिलोंग्स टू पी ए बी, पी वन कामा पी टू बिलोंग्स टू पी ए बी, पी वन कामा पी टू बिलोंग्स टू पी ए बी, हो गया। देन
देन पी वन इज कंटेन आर इक्वल टू, यही लिख लीजिएगा यहाँ पे, पी वन इज कंटेन आर इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू, और पी टू इज आल्सो कंटेन आर इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू। जो पी वन पी टू दोनों जो है वो पी वन यूनियन पी टू के अंदर क्या होंगे, कंटेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए दस इसको लिख लिया, दस पी वन यूनियन पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, दस पी वन यूनियन पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन एंड आल्सो पी टू, और पी टू का भी एंड आल्सो पी टू। देयरफोर पी वन यूनियन पी टू इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट। देयरफोर पी वन यूनियन पी टू, बेटा आप कब सुधरोगी, देयर फोर है। पहली बात तो कि इनके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है, आगे बैठियो, गलती करो तुरंत डांट सुनोगी फिर, अब कल से एकदम पीछे ही मेरे बैठ जाना। हाँ ये देखिए सच्ची बात है ना, कि आगे बैठेंगे तो कम से कम गलती पकड़ में आ जाएगी, क्या गलती मैं कर रही हूँ। ठीक है, देयर फोर एक साथ क्या लिखा आपने, देयर फोर पी वन यूनियन पी टू है ना इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट, क्लियर है ऐसा। अब हम लोग हेडिंग करेंगे जो मेन टॉपिक हमारा है, ठीक है, ये सब कुछ टर्म थे। अब हम बात करेंगे अपर, सॉरी ऐसे लिख दीजिए रिमांसम, हेडिंग कीजिए रिमांसम, रिमांसम सम्स लिख दीजिए और अच्छा, रिमांसम्स, इसी को हम लोग डरबाक्सम भी बोलते हैं, रिमांसम कहें चाहे डरबाक्सम कहें, रिमांसम्स आर डरबाक्सम। ठीक है, अब देखिए जैसा मैं आपको कल बताया था, बहुत सिंपल सा है कि अगर आई हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है और इसका आपने किया पार्टीशन, इसका आपने किया पार्टीशन और इन जनरल पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे पार्टीशन मैं कर रहा हूँ एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर कामा डॉट 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 एक्स एन है ना इक्वल टू बी, यह पार्टीशन सच डैट, और पार्टीशन जब भी करेंगे इस तरह से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, ये कंडीशन है, इस तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू होगा, ऐसे ही कंटिन्यू होगा, ऐसे डॉट 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 एक्स एन या बी के बराबर और या ए के बराबर, ये आपने कर दिया पार्टीशन। पार्टीशन करिए तो फिर क्या मिलेगा, सेगमेंट आई वन है ना एक्स नॉट से एक्स वन, आई टू एक्स वन से एक्स टू, आई थ्री एक्स टू से एक्स थ्री, और इस तरह से आपको आई आर मिल जाएगा बेटा एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और इस तरह से आपको आई एन मिल जाएगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। क्लियर है ऐसे। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये तो मिल गया इस तरह से सेगमेंट है या सब इंटरवल है। अब जैसे क्या है, सबका अपना अपना लेंथ होगा, इसके लेंथ को हम दिखाएंगे डेल्टा वन से, इसके लेंथ को डेल्टा टू से, इसके लेंथ को डेल्टा थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लेंथ को डेल्टा आर से, इसके लेंथ को डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेंथ को। अब इसके बाद क्या है, अब इसे फंक्शन है, तो फंक्शन का जो है अब जैसे एफ एक्स फंक्शन हमारा है जो इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है। जैसे आप क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रखते जाएंगे फंक्शन में, जो भी फंक्शन होगा। अब पता थोड़ी कि फंक्शन क्या है, मान लीजिए फंक्शन आपका जब न्यूमेरिकल कोई आएगा तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स होगा, ऐसा कुछ करके होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना, जो भी फंक्शन दिया रहेगा आप क्या करेंगे उसमें, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर रखते जाएंगे। जब रखते जाएंगे एक्स के स्थान पर तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर है, और जब फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी तो उसी में से फंक्शन की एक सबसे मिनिमम वैल्यू भी दिखाई पड़ेगी आपको और एक मैक्सिमम वैल्यू भी आपको दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आ रही ना, अगर कांस्टेंट फंक्शन तो सेम दिखाई देगा है ना, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन अगर नहीं है तो पक्का है भैया कि जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे,
जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे तो उसी में से एक सबसे छोटी भी वैल्यू होगी और एक सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की होगी इस इंटरवल में, क्या देखिएगा, इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, फंक्शन की जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी इस इंटरवल में उसे बोलेंगे इन्फीमम, और जो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस इंटरवल में उसे बोलेंगे सुप्रीमम। इन्फीमम को स्मॉल एम से, सुप्रीमम को कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे। लेकिन अब यहाँ बात है कि हर इंटरवल में, जैसे फंक्शन जो है जब इसका वैल्यू निकालेंगे हर इंटरवल में, तो हर इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और हर इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ही भी मिलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि हर इंटरवल में आपको जो है फंक्शन क्या इन्फीमम भी मिलेगा और क्या मिलेगा सुप्रीमम। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले वाले का जो पहले वाले इंटरवल में सब इंटरवल में जो फंक्शन का इन्फीमम है स्मॉल एम वन और सुप्रीमम कैपिटल एम वन, यहाँ पर इन्फीमम स्मॉल एम टू सुप्रीमम कैपिटल एम टू, स्मॉल एम थ्री कैपिटल एम थ्री, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। इसमें स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, और इसमें क्या जाएगा स्मॉल एम एन माइनस सॉरी एम एन और कैपिटल एम एन। क्लियर है, बोलो, ये ऐसे हो जाएगा है ना, इन्फीमम सुप्रीमम। अब क्या है देन, अब रिमान सम दो टाइप का होता है, एक लोअर रिमान सम एक अपर रिमान सम। देन लोअर रिमान सम इज डिफाइंड एज, जो लोअर रिमान सम होता है उसे पहले एल पी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइंड कैसे होता है स्मॉल एम वन डेल्टा वन। मतलब कि आप क्या करेंगे हर इंटरवल में जो फंक्शन का इन्फीमम है उसमें उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फंक्शन का जो इन्फीमम है उसमें उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आप करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में आपका एम एन डेल्टा एन हो जाएगा और सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये जो सम है, जैसे ये आपने मल्टीप्लाई किया इन्फीमम में लेंथ से, इन्फीमम में लेंथ से, इन्फीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाइए सब सबके हर इंटरवल में फंक्शन का जो इन्फीमम आएगा उस इन्फीमम में उस इंटरवल के या सब इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाओ आप, है ना, और फिर जब मल्टीप्लाई करते जाओगे सब मिलता जाएगा आपको, फिर सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो। तो ये जो ऐड करेंगे, जो सम करेंगे आप, ऐसे ही सम को क्या बोलते हैं लोअर रिमान सम, इसको हम एल पी एफ से बोलते हैं या तो स्मॉल एस से बोलते हैं, और इसको हम लोग और एक तरीके से समेशन फॉर्म में भी लिखते हैं समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। समेशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। क्लियर है, इसी प्रकार से यू पी एफ कैसे डिफाइन होता है। अब बस सेम अभी जो आप कैपिटल एस से दिखाते हैं, अभी आप जो हर फंक्शन का जो हर सब इंटरवल में जो फंक्शन का इन्फीमम है लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या जाएगा आपका कैपिटल एम वन डेल्टा वन प्लस कैपिटल एम टू डेल्टा टू और प्लस डॉट प्लस कैपिटल एम एन डेल्टा एन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन और कैपिटल एम आर डेल्टा आर, बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको हो जाएगा क्या, यू पी एफ और एल पी एफ। क्लियर है, ये आपको हो जाएगा यू पी एफ और एल पी एफ, यही होता है आपका एल पी एफ और यू पी एफ। ठीक है, लोअर सम एंड अपर सम, सम ही है, बट वो किस टाइप का सम है कि जो फंक्शन है जब पार्टीशन किया तो सब इंटरवल मिला, सेगमेंट मिला, हर सेगमेंट हर सब इंटरवल में फंक्शन का अपना इन्फीमम होगा सुप्रीमम। और इन्फीमम सुप्रीमम क्या समझेंगे आप इससे बस ये समझेंगे कि हर इंटरवल से जब आप एक्स की वैल्यू निकाल के फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी, फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू उस इंटरवल में मिलेगी उसे बोलेंगे इन्फीमम, बड़ी को बोलेंगे सुप्रीमम। तीसरा से हर सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम होगा और सुप्रीमम होगा, और इन्फीमम से उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते चलाओ, सबके इन्फीमम में उस सब इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, फिर जब आप ऐसा कर देंगे तो सबका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इन्फीमम, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इन्फीमम, फिर सबको क्या कर दीजिए सम कर दीजिए। तो ऐसे सम को बोलते हैं लोअर सम। अगर सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले गए सम में, है ना, फिर आप ऐड कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं अपर सम, उसे हम यू पी एफ से या कैपिटल एस से दिखाते हैं। क्लियर है, तो आप इसको लिख लीजिए आप, लेट स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। हो गया बेटा यहाँ पे, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ
क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे इसको आप लिख देंगे, अब इसको लिख देंगे एंड सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, ये पूरा लिख देंगे आप पार्टीशन, ठीक है। और इसमें लेट कर लेंगे कि भैया जो स्मॉल एम वन, स्मॉल एम टू, स्मॉल एम थ्री, डॉट डॉट डॉट, या मैं स्टार्ट में लिखूँ लेट स्मॉल एम आर कमा कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम। मैं आर में लिख दिया, मतलब समझते हैं ना, अगर पहले में जाएंगे तो स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन इसका इन्फीमम सुप्रीमम, दूसरे के लिए स्मॉल एम टू कैपिटल एम टू इसका इन्फीमम सुप्रीमम, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ एफएक्स इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर इन जनरल। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए आपका एम वन स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन है ना, देन लोअर सम, लोअर रिमांड सम इज डिफाइंड एज, ये लिख देंगे आप एल पी एफ, और उसके बाद फिर लिख देंगे इसके बाद एंड अपर रिमांड सम इज डिफाइंड एज, ठीक है। फिर आप ये लिख देंगे, इतना कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद कल अब थ्योरम कराएंगे आप लोग, हैं क्या कल नहीं है।